आप देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज, ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रजभूमि न्यूज। इसके बाद सादर आमंत्रित हैं हमारे बीच में संतोषी महंत जी। सादर प्रणाम निवेदित है और प्रस्तुत है एक सजल। तुम किनारा मैं लहर हूँ, तुम किनारा मैं लहर हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम किनारा मैं लहर हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम उधर हो मैं इधर हूँ, तुम उधर हो मैं इधर हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम किनारा मैं लहर हूँ, प्यार से माथे पे मेरे हाथ अपना फेर दो, प्यार से माथे पे मेरे हाथ अपना फेर दो। मैं सुलगती दोपहर हूँ, मैं सुलगती दोपहर हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम किनारा मैं लहर हूँ। और एक पदिक देखिए। क्यों भटकते हो अंधेरे में यहाँ ओ जरा, क्यों भटकते हो अंधेरे में यहाँ ओ जरा। मैं सितारों का शहर हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैं सितारों का शहर हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम किनारा मैं लहर हूँ, मैं नजर हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम किनारा मैं लहर हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। और अंतिक देखें। तुम अकेले चल रहे हो, साथ क्यों लेते नहीं। तुम अकेले चल रहे हो, साथ क्यों लेते नहीं। मैं तुम्हारी हम सफर हूँ, मैं तुम्हारी हम सफर हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम
उधर हो मैं इधर हूँ, तुम उधर हो मैं इधर हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम किनारा मैं लहर हूँ। तुम समझते क्यों नहीं, गज़ल में रदीफ और सजल में पदांत, बहुत ही सुंदर निर्वाह किया संतोषी महंत जी ने। इस पदांत का बहुत सुंदर निर्वाह, और दादा मैं बता देना चाहता हूँ, चाहे संतोषी महंत जी हों, गोवर्धन सूर्यवंशी जी हों, आपका ये उमाकांत टैगोर जी हों, पुनीता दरियाना जी हों, ऐसी कितनी ही जो है ऐसी नई पौध जो है उसको तैयार करने वाले आदरणीय दादा ईश्वरी प्रसाद यादव जी, विजय राठौर जी हैं, और इन्होंने बीजारोपण किया है छत्तीसगढ़ में सजल का। और छत्तीसगढ़ में सजल जिस तरह से फल फूल रही है शायद दूसरे प्रदेशों में ऐसा नहीं है। तो मैं तो आदरणीय दादा ईश्वरी यादव जी और विजय राठौर जी के लिए तालियां चाहता हूं, उन्हें तालियां दें। और तो इन्होंने ये बीजारोपण किया है, ऐसी पौध तैयार की है। धन्य धन्य ब्रज भूमि के तूने चरण चिन्ह यहाँ डाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले। मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मेरो मन कान्हा को दास, आत्मा राधे की दासी। ब्रज की बोली मिठलौनी जी, ब्रज की बोली मिठलौनी, और ब्रज भूमि सी भूमि जगत में और नहीं होनी। तो ये जो ब्रज भूमि है इसकी अगर आप लीलाएं देखना चाहते हैं और इनकी चीज़ें देखना चाहते हैं तो देखते रहिए ब्रज भूमि न्यूज़।